निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अतुल ब्लॉग्स में। दोस्तों, और आप लोग तो जानते ही हैं कि जब हम कहीं न्यू लोकेशन पे विजिट करते हैं तो बिना उसे एक्सप्लोर किए उसे हम वैसे ही छोड़ जाने नहीं देते हैं। तो दोस्तों, फाइनली इस वक्त हम पहुंचे हैं कुशीनगर जनपद में और खबराबार अगली टोला वाले गांव पर। दोस्तों, और इस वक्त ये जिस लोकेशन पर है, जिस गांव पर है, ये हमारे ननिहाल है। तो दोस्तों, आज इस गांव में पहुंचे हैं तो इस गांव से बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिकल यानी मेरे बचपन चाइल्डहुड से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी कहानी है जो इस कंटेंट के थ्रू आप लोग को जानने को मिलेगा कि अतुल ब्लॉगर की जो जर्नी थी चाइल्डहुड की वो कैसी थी। दोस्तों, और इस गाँव का जो ब्लॉक और तहसील जो है दोनों कप्तानगंज ही पड़ता है। दोस्तों, तो इस वक्त मेन इसके एग्जिस्ट यानी बाहरी पॉइंट पर है। अब आपको यहाँ की पूरी जर्नी दिखाते हैं और एक बार इसको इस गांव को एक्सप्लोर करते हैं ताकि जो कोई भी व्यक्ति है उनको पता चले कि पहले कैसा था और अब कैसा है, ये गांव कितना है। चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं और आपको इस गांव से जुड़ी वो कौन सी कहानी है आपको बता दें। दोस्तों, एक एक करके कहानी को शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये कहानी है उस टाइम की जब मैं और मेरी एज जो है वो लगभग अराउंड वही मात्र 11-12 साल के जब हम थे, उस समय हम यहाँ पर रहते थे और ये हमारा ननिहाल है। तो दोस्तों, इस वक्त गांव में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये रोड जो है, सबसे पहली बात करें तो ये रोड आपका सीधे हांटा से कनेक्ट करता है और कप्तानगंज से। अभी लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं जो ये स्कूल प्राथमिक विद्यालय जो बना है, एक ज़माने में यहाँ पर बहुत खाली हुआ यानी एक बड़ा सा फील्ड हुआ करता था, खाली जगह था। यहाँ पर दुर्गा जी का यानी दुर्गा माता का यहाँ पर मूर्ति रखा आया करता था, मेला लगता था और यहाँ पर बहुत अच्छा सा एक बड़ा सा पाकड़ का पेड़ हुआ करता था। दोस्तों, तो वक्त के साथ देखिए वो भी चेंज हो गया, वहाँ पर सब कट पिट के क्या हो गया, स्कूल बन गया। और अभी जो ये आप लोकेशन देख रहे हैं, ये पेड़ जो देख रहे हैं, यहाँ पर कभी दो पेड़ हुआ करते थे लेकिन आज देखिए बस एक ही पेड़ बचा है, इसमें से एक पेड़ कट गया है। दोस्तों, ये रोड जो है पहले भी वैसे ही था और आज भी ये वैसे की वैसे ही है। पहले जितना टूटा फूटा था, बिल्कुल थोड़ी बहुत इसमें मरम्मत हुई, आज भी वैसे के वैसे ही है। गांव का जो आप कंडीशन देख रहे हैं दोस्तों, एक टाइम वो था, आज जितना भी आप पक्के मकान देख रहे हैं ये उस समय झोपड़ी में ही सिर्फ थे। बहुत कम ही ऐसे घर थे जो इस तरह बने थे, बाकी सब जो घर थे इस गाँव के सब झोपड़पट्टी हुआ करता था। बहुत कम ऐसे घर थे, लगभग अराउंड देखा जाए तो आज से लगभग 15 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। ये रोड पूरा खड़ंजा हुआ करता था यानी ईंट का रोड था, आज तो ये NCC वाला रोड हो गया है लेकिन उस समय ये खड़ंजा हुआ करता था। ये जो घर देख रहे हैं आप लोग, ये उस समय दो तीन ही ऐसे घर थे और सामने जो फ्रंट में आप लोग ये जो घर देख रहे हैं यही उस टाइम के घर थे जो झोपड़पट्टी नहीं थे। अब हम लोग गाँव के दक्षिण साइड की तरफ हम लोग मुड़ गए हैं और इधर का जो आप लोकेशन देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा नहीं था। ये जो देख रहे हैं ये भी मेरे लिए बहुत खास जगह है, ये सब पहले झोपड़पट्टी हुआ करता था उस टाइम, लगभग आज से लगभग 10 से 15 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ये रोड पूरा कच्ची हुआ करता था और नीचे थोड़ा रोड की जो कंडीशन थी। इस वक्त हम लोग गाँव से बाहर आकर के दक्षिण साइड की तरफ पहुँचे हैं और यहाँ का जो लोकेशन देख सकते हैं कितना शानदार है, कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। दोस्तों, हमारे साथ गाँव के एक फ्रेंड हैं जो हमारे भाई लगेंगे, तो प्रशांत जी हैं, उनके थ्रू हमने ये ब्लॉग कंटेंट क्रिएट किया है और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें गांव के बारे में बताया। और वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें जानते भी हैं क्योंकि बचपन से यहाँ रहे हैं। तो अभी देखिए भाई लोग आ रहे हैं यहाँ के, पूछ रहे हैं क्या हो रहा है। तो प्रशांत जी यहाँ पर बता दिए कि ये काम हो रहा है। सामने जो आपको घर दिख रहा होगा राइट साइड में, ये जो घर है ये भी नहीं हुआ करता था, यहाँ पर खेत हुआ करता था, बस एक पोल्ट्री फार्म था, वो भी ख़त्म हो गया, यहाँ पर सब घर बन गए हैं। रोड का कंडीशन बिल्कुल वैसे ही था, बहुत कम ऐसे चीज़ें हैं जो बची हुई हैं, वरना सब दोस्तों यहाँ की जो सराउंडिंग माहौल जो है सब कुछ बदल गया। दोस्तों, इतना ज़्यादा ग्रो किया है कुशीनगर जनपद आज के टाइम में, और एक टाइम वो था कि जब यहाँ पर कुछ नहीं हुआ करता था, सिर्फ झोपड़पट्टी हुआ करता था, और आज देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ग्रो हो चुका है, कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। दोस्तों, जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो बहुत ही सब चीज़ें बदल गई हैं,
देख करके अच्छा भी लगा और थोड़ा सा दुख भी हुआ कि पुरानी जो चीज़ें थी वो आज नहीं हैं, तो उनकी कमी बहुत महसूस हुई। लेकिन कर ही क्या सकते हैं, वक्त तो होता ही है, वो तो छाड़ता नहीं है और सबके लिए वक्त रुक तो नहीं सकता, और लोग भी तो इंसान भी तो नहीं बैठ सकते हैं। सबको अपनी जीवन को चेंज करने की एक वर्क है। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये पोखरा, ये उस टाइम भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है दोस्तों। इस गांव की लोकेशन है, वैसे तो हम लगभग एक ही दिन रह पाए यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा लोकेशन जो है जहाँ पर हम खेले हैं घूमे हैं वो सब तो लोकेशन हम विजिट नहीं कर पाए, और क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी में थे। अब देखिए, अब हम लोग गाँव के दक्षिण साइड से जरूर है जो गाँव के बीच में जाता है, फिर से हम इस रोड से इंटर कर रहे हैं गांव में। और गांव का इस जो दक्षिण साइड का जो व्यू है दोस्तों, देख सकते हैं कुछ ऐसा है दोस्तों। गांव के जो कोई भी व्यक्ति इस कंटेंट को देख रहे हैं, आप लोग ज़रूर बताएगा कि आपको कैसा लगा, और पहले कैसा गांव था और अब कैसा, जो गांव का जो कंडीशन बदला है वो कैसा लग रहा है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। बस यही कुछ ऐसे घर हैं जो नहीं बदले हैं, वरना सब घर चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर कभी हम पैदल आते थे, घूमते थे, जाते थे, साइकिल से यहाँ पर हम आते थे, ये सब चीज़ें मतलब यहाँ घूमा करते थे, बच्चों लोग के साथ खेला करते थे। यहाँ पे भाई साहब जो हैं बाइक को वॉश कर रहे हैं, ये जो देख रहे हैं यहाँ से हम जाते थे, वहाँ एक बांस है, बांस की कोठी, वहाँ पर नल है, वहाँ पर हम नहाया करते थे कभी, लेकिन वहाँ तो हम पहुँच ही नहीं पाए, वरना हम मिस हो गया। कोई बात नहीं, अगले टाइम नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे तो उसको विजिट करेंगे। तो ये था यहाँ की कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें। सत्यम बाबू देख सकते हैं साइड में खड़े हैं, तो इन्हीं लोग के साथ हम बचपन में खेले बड़े हुए, और आज देखिए वक्त से कहाँ कहाँ से बदल गए हैं दोस्तों। ये जो सामने घर देख रहे हैं ये यहाँ के ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान जो थे उनका घर है, साथ में प्रशांत भाई जो है सामने खड़े हैं, और ये बाबू जो है टायर को रिंग है उसी को रोटेट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ माहौल है दोस्तों। और सामने जो देख रहे हैं यही हमारे मामा जी का घर है। तो ये सब ही ऐसी जर्नी थी, ऐसा पल था। ऊपर से आपको व्यू दिखा रहे हैं, देखिए इस टोले का, इस गांव का जो नक्शा है किस तरह चेंज हो चुका है। सामने फ्रंट में जो पोल दिख रहा था आपको, वहाँ की जो लोकेशन थोड़ी बहुत चेंज हुई है, वरना सब ऐसे ही जैसे कल था वैसे आज भी है। और ये जो अभी आप जो डिस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं फिगर गांव का, ये पूरब दिशा की तरफ के डायरेक्शन है। और ये जितने भी आप घर दिख रहे हैं ये कभी झोपड़ी हुआ करता था आज से लगभग 15 साल पहले, और आज देखिए मात्र 15 साल में कितनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर बदल चुकी हैं। नीचे का फर्श देखिए, रोड है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और जिस समय हम ये शूट कर रहे थे ये लगभग 4 बजे के टाइम हम शूट कर रहे थे, तो माहौल देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। सामने देख सकते हैं ये जो सूर्यास्त का समय हो चुका है, तो ऐसा कुछ है। ये जो डायरेक्शन में आप अभी लोकेशन जो देख रहे हैं ये पूरा जो है ये दक्षिण जो है दक्षिण साइड का जो गांव का व्यू है ऊपर से कैसा दिख रहा है वो दिखा रहे हैं दोस्तों। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी छूटी हुई हैं, वो आपको नेक्स्ट कंटेंट में दिखाएंगे जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे नेक्स्ट टाइम, तो आपको दिखाएंगे, बहुत जल्द जाने वाले हैं। तो ऐसा ही कुछ व्यू था और ऐसा ही कुछ हिस्टोरिकल चीज़ था, बहुत अच्छा लगा मुझे भी यहाँ पर आकर के। काफ़ी सालों बाद यहाँ पर पहुँचे थे इस गांव में, लगभग 2 साल बाद, तो इतना कुछ जानने को और देखने को मिला। नेक्स्ट टाइम ज़रूर हम आपको कुछ खास चीज़ें और बताएंगे आपको। सामने जो झोपड़ी देख रहे हैं यही बस कुछ ऐसी यादें हैं जो पहले वैसे कि वैसे ही हैं, और यहाँ पर हम कभी खेला करते थे जब छोटे थे, लगभग 12-13 साल की एज थी हमारी उस टाइम। सामने जो ब्लू कलर का घर दिख रहा है वो घर भी नहीं था, वहाँ पे सब खेत हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ जब आबादी बढ़ती गई तो लोगों ने अपना घर भी बनाते गए। अगर आपको ये गांव देख करके और ये घर देख करके मैं ज़रूर बताएगा दोस्तों। और ये जो कुआं यानी वेल देख रहे हैं काफ़ी पुराना है, और इस कुएं से हमारी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी है। जब हम लोग यहाँ पर कभी खेला करते थे तब ये बाउंड्री नहीं हुआ करता था इस कुएँ की, बस
वैसे ही ओपनली इसे रखा गया था। कुछ भी गिर जाता था तो हम लोग बाल्टी से निकालते थे। तो ये भी इसलिए यहाँ से भी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर हम खेला करते थे और हमारे जितने भी फ्रेंड हैं सब आज वक्त के साथ समय के साथ इतने बदल गए कि ना अब वो पल रहा ना दोस्त के अंदर वैसी फीलिंग रही। दोस्तों सब लोग अपने काम में व्यस्त, आज सबके पास तो सब कुछ है लेकिन वो पल नहीं है, बात करने का वक्त नहीं है किसी के पास, ना पहले जैसा उन लोग के अंदर फ्रेंडशिप और ना वो मिलने की चाहत है, बहुत कम है। बस क्या करेंगे, वो बचपन की ज़माना ही बहुत खूबसूरत था ना। ये देख सकते हैं घास काटने वाला जो मशीन है, तो बाद हमने इसे देखा है क्योंकि यहाँ पर तो अपने गांव में तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी, बहुत कम ही लोग ये सब चीज़ें रखते हैं। तो यहाँ पर हम बैठ करके इस झोपड़ी के अंदर हम लोग कभी पढ़ा करते थे और अपने जो भी भाई बंधु सखा यहाँ के जो लोग थे उनके साथ बातचीत किया करते थे रात के वक्त में दिए के सहारे। और ये सबसे खास देख सकते हैं ये जो बालक अभी जो पेड़ पर बैठे हैं, ये अमरूद का पेड़ है, तो उन्होंने हाय कर रहे हैं। इस पेड़ से भी बहुत सारी ऐसी यादें जुड़ी हैं, जानते हैं क्या, वो जब हम लोग जो बाबू पेड़ पर बैठे उनके साइज के